मेरे से काबिल कोई मोमिन रहेगा जिसको हिंदू भाई बहन भी पसंद करते रहेंगे, उसको उनकी क़यादत देनी चाहिए। क़यादत हमारी क्यों ना हो, हम क्या सिर्फ वोट डालने के लिए बैठे? हमारे बहुत से डायलॉग तो इधर नेता ने हमारे लिए, काम ही मेरी पहचान है, काम करते जाओ लोग सराते जाते हैं, काम करने के लिए आया हूँ। जब इंसान को वोट बटेरना होता है, सबसे आसान तरीका होता है दो धर्मों को लड़ाना। इस कलवा मुमरा के अंदर हिंदू मुस्लिम इकता लाएंगे, अजान का मसला मुमरा में निकलता है। जितने मस्जिदें इस शिलफाटा से लेकर रेती बंदर तक है, उससे कई ज्यादा मस्जिद थाने शहर में है। जब कचरे का मामला आया तो तुम कचरे के गाड़ियों के पीछे लाख दो लाख मेरा आदमी कैसा कमाए, मैं दो पांच लाख कैसे कमाऊं? जब लेने की आदत हो मिस्टर परसेंटेज को, तो कचरा यही रहेगा ना। मेरे हमारे इधर सफाई क्यों नहीं? अब रमजान में जाओ मोहल्ले में सफाई कैसी है? पैसा नहीं चाहिए, काम करो, काम की चोरी नहीं चाहिए। मैं तो मुस्लिम की आदत का नेता हूँ, मैं मुसलमान के हक के लिए लड़ता हूँ, टोपी पहन के आता हूँ ईद मिलादुन नबी के जुलूस में। बस मुसलमान मेरी, भले वो कैसे भी रहे, अब वो खत्म कर दो। आज घड़ी है, कल भी घड़ी है, काटा जो चलते रहेगा वो हर वक्त का सेकंड मुझे एहसास बताएगा कि मुझे कितना और अच्छा काम करना। करोड़ों का काम आया, कौन सा काम यहाँ के नौजवान बच्चों को मिला? तो बंगले पे बैठे हुए राजा को मिला ना, उसके राइट हैंड दरवाजा खोलने वाले को मिला ना, वो क्या मुमरा का बाशिंदा है? शिंदे साहब, अजीत दादा, फडणवीस साहब जब मुझे इंशाल्लाह मौका देते टिकट देके, तो कुछ उस मौजू के लिए भी तो रखो। सब अभी डब्बा खोल दूंगा तो बाद में क्या बचे? बहुत कुछ माल है बेचने। आज आर्क कंपाउंड के सभी नौजवानों ने आज मुझे बुलाया, मिलना उनसे तय था और बहुत अरसे से तय था, आने पा रहा था, तो आज मौका मिला तो उनके बीच में आया। और बेशक सहरी का भी उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। और रमजान महीना इबादत का महीना है, साथ ही साथ में लोगों के दिलों से दिल मिलाने का महीना है। और आज अल्लाह ताला से हम इस मुबारक महीने में यही दुआ करते हैं कि कई अरसों से एक मुमरा के अंदर एक दूसरे के खिलाफ में ना इत्तेफाकी, सियासत को गरमाया गया था। सियासत हकीकत में सिर्फ इलेक्शन के दौरान होनी चाहिए, जिसको जो पार्टी हो, जो नुमाइंदा को चुनके देना हो, जिसको वोट दे रहा हो, वो पसंदीदा इंसान के साथ जुड़ता है, काम करता है। बट बेशक हमने देखा था कि मुमरा के अंदर खुद के फायदे के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की गई थी, कि पार्टी को जाति जिंदगी से जोड़ा गया था। लोग अपनी रिश्तेदारी, खानदान, पड़ोसी, मोहल्ला भूल के, कौम को भूल के एक दूसरे से इंतजार में फैल रहे थे। मोहब्बत का पैगाम इस मुबारक महीने में लेकर आए, ले अल्लाह ताला वो कबूल। जहाँ हमारे दादा ज़ादा और हिंदू भाई, हमारे को भाई बहन भी हमको पसंद कर सकते हैं, तो क्यों ना अपने में से कोई एक चुना जाए। मैं अपने आप को नहीं, मेरे से काबिल कोई उम्मीद रहेगा जिसको हिंदू भाई बहन भी पसंद करते रहेंगे, तो उसने भी किस्मत, उसको क़यादत देनी चाहिए। क़यादत हमारी क्यों ना हो, हम क्या सिर्फ वोट डालने के लिए बैठे? नुमाइंदगी की सबसे बड़ी काम ये होता है कि उसके दरवाजे पे उसके मुखालिफत वाले कितने काम लेकर थे, क्योंकि हकीकत में हमको तो कुरान हदीसों के जरिए तो यही सिखाया गया कि मुखालिफत हो, तुम्हारा दुश्मन हो, कोई भी तुम्हारे दरवाजे पे आए तो उसका काम करना चाहिए। पर वो दरवाजे पे कब आता है? जब वो सादगी का माहौल आप तैयार करें। तो आज नौजवानों के मसले हैं, आज उनके कामकाज के मसले हैं, तालीम के मसले हैं, और उसके बाद में यहाँ के बाकी के रहने के हवालात के मसले हैं। एक छोटा सा पानी का मसला ले लो, मसले हमारे पास बहुत है, उसके लिए मिलके हमको काम करना है। काम वो सियासती झंझट में बैठे, ये पार्टी वो पार्टी, रोज व्हाट्सएप पे सुबह देखो रात देखो तो एक दूसरे के खिलाफ तंज और तनकीद चल रही है, जिससे इंतजार फैल रहे। ये सब चीज खत्म होनी चाहिए। वोट काम की चीज पे मांगा जाता है, जैसा मैं पहले से कहता हूँ, हमारे बहुत से डायलॉग तो इधर नेता ने हमारे लिए, काम ही मेरी पहचान है, काम करते जाओ लोग सराते जाते हैं, काम करने के लिए आया हूँ। जब इंसान को वोट बटेरना होता है, सबसे आसान तरीका होता है दो धर्मों को लड़ाना। तुम दो धर्मों को लड़ा, मैं कहता हूँ ना कि कलवा में मेरे साथ चलिए, जो हिंदू भाई बहन अच्छे तालीमी राफ्ता, बड़े बड़े सोसाइटी जो इस्तेमाल करते, तो वो ये नहीं सोचते कि मुसलमान है। मैं कहता हूँ कि नुमाइंदा अच्छा हो और हमारे को दुख दर्द में साथ देता हो, साफ चरित्र का हो, कि भाई वो पैसे कमीशन खाने वाला कॉन्ट्रैक्टर ये सब तरीके से ना हो, तो वो किससे जुड़ता है? बेसिकली आपने जो सवाल पेश किया है, मैं मोमिन हूँ, अब मोमिन के अंदर मेरा हक बनता है कि मैं फैसिस्ट के साथ जुड़ू या किसके साथ जुड़ू। जब तक मैं
अपने कौम के लिए जहां उसके ऊपर नाइंसाफी होती है हक उठाने की अल्लाह ताला मेरे में आवाज जज्बा और जिगर देता है और मैं वो उठाता हूं तो साथ देना चाहिए। जिस वक्त मैं अपने कौम को बेच डालता हूं, नहीं आवाज उठाता हूं, कमजोर पड़ जाता हूं तो साथ नहीं देना चाहिए। आवाम का कौम का साथ देना बोले तो सिर्फ तुम्हारे बयान नहीं देना है, लोग बयान देके मुतमईन होके बता दे कि मैंने मेरी कौम की ताहिद किया, मैंने मेरे ये मुसलमान कौम की साथ दिया, तुम्हारी बयान को अहमियत क्या है। जब तुम उसको कामों में अंजाम दो कि जहां ना इंसाफी हो रही है उनको वहां जाके बैठ के इंसाफ दिलाओ और वो इंसाफ दिलाए तो हक की बात होती है। इंशाल्लाह वो भी तब्दीली हम नए तरीके से लाएंगे, इस कलवा उमरा के अंदर हिंदू मुस्लिम इकता लाएंगे। अजान का मसला उमरा में ही निकलता है, जबकि जितने मस्जिदें इस शिलफाटा से लेकर रेती बंदर तक है उससे कई ज्यादा मस्जिद थाने शहर में है, मगर यहाँ भेजा जाता है कि भाई अब मुसलमान जागे, मैं आके कियादत करूं और जो बटोरने का काम है मैं वो बटोर के चलूं। हमको ये खत्म करना है, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पे उनको महफूजियत देनी चाहिए, उनको आजादी देनी चाहिए, उनको अपनी इबादत हो तालीम उनके हक हुकूक अदा करने चाहिए। धर्म के नाम पे क्यों वोट मांगना है, वो एक तरफ से मांगते नहीं है। मेरे ऑफिस में आप आओगे, हम जो काम करते हैं और अल्लाह ने वो काम को सराह के इतनी बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई थाना से हमारे साथ जुड़े, आप आके देखते हैं गर्दी, तो कौन इंसान आया जब वो इंसान को जब तक साथी फायदा ना हो वो लड़ा नहीं चाहता, साफ दिल से बैठे कि मेरे को कर्ज समझ के बैठे कि मेरे को ये दिया हुआ एक वोट ये इंसान का कर्ज है मेरे ऊपर, और वो काम पूछे कि आपका काम क्या है और पहले काम करे, वो मेरे को कल फायदे में आने वाला है नहीं आने वाला है, वो कौन से धर्म का है कौन से हल्के से, जब तक वो सोचे नहीं तो वो होगा नहीं। यहाँ गंदगी और ये चीज है क्योंकि यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जब कचरे का मामला आया तो तुम कचरे के गाड़ियों के पीछे लाख दो लाख मेरा आदमी कैसा कमाए, मैं दो पांच लाख कैसे कमाऊं, जब लेने की आदत तो मिस्टर परसेंटेज को तो कचरा यही रहेगा ना। बात ऐसी है कि जब मेरे हमारे इधर सफाई क्यों नहीं, अब रमजान में जाओ मोहल्ले में सफाई कैसी है, पैसा नहीं चाहिए, काम करो, काम की चोरी नहीं चाहिए। जब पिछले तीन साल पहले गाड़ी तय की गई थी कचरे की कौन सी रहनी चाहिए तो आपकी जिम्मेदारी थी कि जब प्राइवेट कराए ये गाड़ी मेरे बंदे ने गलत लगाया है और वो दो तीन लाख कमा रहा है, मैं कुछ कमा रहा हूँ तो उसके लिए चलने दो गाड़ी, कम कैपेसिटी की रहने दो, कम कचरा उठने दो, कौन देखने को आ रहा है। आवाम चिल्लाते रही तो आवाम के पास में कोई ऑप्शन है क्या? मैं तो मुस्लिम की आदत का नेता हूँ, मैं मुसलमान के हक के लिए लड़ता हूँ, टोपी पहन के आता हूँ ईद मिलादुन नबी के जुलूस में, बस मुसलमान मेरी भले वो कैसे भी रहे। अब वो खत्म करना। अब टोरेंट के मामले के अंदर मैं कहूंगा कि लाइट मिलना 24 घंटा हमको जरूरी है, सहूलत है। लाइट का बिल मीटर टेम्पर्ड रहेगा, ज्यादा चार्ज करता है उसकी इंक्वायरी होना जरूरी है, मगर जो आप लाइट कंज्यूम करते हैं उसका बिल भरना भी जरूरी है, ज्यादा आता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो इस तरीके का जाती करता है छोटी छोटी बातों के ऊपर आप लोगों को बदलने का मौका दीजिए, मगर बदलने के पहले उसको सजा देने का काम करेंगे तो उसके लिए हम खुल के उतरे। आज घड़ी है, कल भी घड़ी है, काटा जो चलते रहेगा वो हर वक्त का सेकंड मुझे एहसास बताएगा कि मुझे कितना और अच्छा काम करना है। करोड़ों का काम आया, कौन सा काम यहाँ के नौजवान बच्चों को मिला? तो बंगले पे बैठे हुए राजा को मिला ना, उसके ये राइट हैंड दरवाजा खोलने वाले को मिला ना, वो क्या मुमरा का बाशिंदा है? कमाई मैं, अंदर की पार्टनरशिप मैं, परसेंटेज मेरा, सब मेरा। कभी बटा क्या हमारे बच्चे क्वालिटी काम नहीं करते थे क्या? मुमरा में पहले स्थानिक काम नहीं करते थे क्या? मुमरा में पहले इसके पहले कभी रास्ता बना नहीं, गटर बनाने कम बना रहेगा बना ना, यानी जितना बजट मिला बना ना। और जो कॉरपोरेशन ने बजट दी तो वो सभागृह में हमारे साथी नगर सेवक ने थी, और पूरे सभागृह में शिवसेना शिंदे साहब के साथ में बीजेपी सब लोगों ने हमारी आवाज को लब्बैक करके चुप बैठ के कहा कि नहीं ये बात कर रहे हक की बात करने को, तो हम थे हमारे आमदार साहब तो सभागृह में आए नहीं। चाचा ने अभी कहा कि पानी का एक ही बार आते, मैं पूछता हूँ तो मुझे अफसोस इस बात का है कि जब पैसा हमने लड़ झगड़ के दिया, मैं आपको मिनट्स बताऊंगा स्टैंडिंग में कैसा रोका जाता था, और हम एक डंडे की चोट पे मंजूर करते थे सभागृह में, 100-100 200-200 करोड़ रुपए दिया
तो वहां की आवाम को उसकी सहूलत का फैज पहुंचना चाहिए। सहूलत पहुंची नहीं, पानी की टाके अभी भी हवा में, नारियल कितने फूटे रहेंगे उसके फोटो ढूंढ के निकालेंगे हम। इंशाल्लाह महायुति सरकार, शिंदे साहब, अजीत दादा, फडणवीस सब जब मुझे इंशाल्लाह मौका देते टिकट देके, तो कुछ उस मौजू के लिए भी तो रखो। सब अभी डब्बा खोल दूंगा तो बात में क्या बचे, बहुत कुछ माल है बेचने। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।